हेलो एवरीवन, वेरी गुड मॉर्निंग। तो आज है ट्यूसडे और आज है राज के पापा का फास्ट। मंडे के दिन मेरा होता है और ट्यूसडे के दिन उनका होता है। मंगलवार ना हनुमान जी का वार है, मतलब कि उनका जन्मदिन है वो, तो इस वजह से राज के पापा जो है फास्ट करते हैं। और मैं सोमवार तो मेरा डेली का ही होता है, उनका भी मतलब मंगलवार जो है डेली का ही होता है। डेली का मतलब हमेशा का। तो बस यही है, आज हमारे ना फ्रिज की क्लीनिंग हो रही थी और आज तो बहुत कुछ क्लीन किया हमने। राज के पापा ने भी थोड़ी बहुत हेल्प कर दी थी आज, उन्होंने ना हमारे जो सोफ़ा है उनकी भी क्लीनिंग करी थी और जो हमारे डोर है उनकी भी क्लीनिंग करी थी। तो बट वो मुझसे शूट नहीं हुआ बिकॉज़ मैं जो है कपड़े वॉश करने गई ना, तब उन्होंने वो जो काम है अंदर के अंदर घर के अंदर वो कर लिया था। तो कोई बात नहीं, वो तो मतलब करते रहते हैं, ऐसे थोड़ी बहुत तो हेल्प कर देते हैं। मेरी और मेरी बेटी ने जो है आज मुझे बहुत ज़्यादा हेल्प करा है, मतलब कि खुशी ने। तो आज खुशी ने ना, राज के पापा ने भी और खुशी ने भी बहुत अच्छा काम किया है। मैं कपड़े धोने गई तब तक ना राज के पापा ने और सोफ़ा वगैरह सारा कुछ क्लीन कर दिया, और खुशी ने जो है ये फ्रिज में जो छोटे छोटे मतलब वो बर्तन निकलते हैं फ्रिज के, वो सारा सामान ना उसने वॉश कर दिया और बहुत ही अच्छे तरीके से वॉश कराए उसने। बहुत ही होशियार और बहुत ही ब्रिलियंट और बहुत ही अच्छी बेटी है मेरी। तो मैंने ना वहाँ से आने के बाद मैं कपड़े डालने लग गई, फिर मुझे दिखाई दिया अरे ये तो सारा कुछ इसने साफ़ कर दिया है। फिर वो फ्रिज भी साफ़ करने वाली थी तो मैंने उससे नहीं बोल दिया, नहीं बेटा मैं अभी फ्रिज जो है मैं साफ़ कर लूँगी। और 20-25 दिन हो चुके होंगे मेरे फ्रिज को मतलब क्लीन करे हुए। और ऐसे तो हम क्लीन करते ही रहते हैं रोज़ाना, एक मैं ये कर देती हूँ, कपड़ा मार देती हूँ मतलब कि पोछ लेती हूँ, बट ना ये थोड़ी सी डीप क्लीनिंग करना तो ज़रूरी होता है। तो अभी सुबह के 10, 10:30 बजे होंगे, राज के पापा जो है बाहर जा रहे थे, उनको उनके फ्रेंड का कॉल आया था तो उन्होंने बुलाया था। तो राज के पापा ना एक मतलब वो जो पान वाले होते हैं उनके फ्रेंड है, और उनके मतलब दूसरे जो फ्रेंड है उनको वो जो वीमॉल वगैरह वो तम्बाकू वगैरह खाते हैं उसकी आदत ज़्यादा है। तो उन्होंने ना उनको बोल दिया कि मुझे बहुत ही ज़्यादा ज़रूरत है, मुझे लग रहा है वो, तो मुझे प्लीज़ दिलवा दो। तो उन्होंने बहुत ही ज़्यादा रिक्वेस्ट करी उनके फ्रेंड ने, तो इसलिए ना वो चले गए उनके जो दूसरे फ्रेंड है पान वाले उनके घर। शायद से अगर उनके घर होंगे तो फिर वो उन्हें दिला देंगे। तलब का काम होता है, बहुत ही बुरा हो रहा है। हमारे यहाँ तो लॉकडाउन है, कुछ भी कोई शॉप ओपन नहीं है, तो कुछ भी नहीं मिल रहा है, ना खाने की चीज़ें ना लोगों को वेशन की चीज़ें, मतलब कि वो जो विमल वगैरह होती है सिगरेट वगैरह वही। तो बस यही था, बहुत ही ज़्यादा रिक्वेस्ट कर रहे थे उनके फ्रेंड्स कि आपके पहचान वाले हैं तो हमें दिला दीजिए। राज के पापा को तो कुछ भी आदत नहीं है, वो कुछ भी नहीं, उनकी वेशन मतलब कुछ भी नहीं है उनको, ना ही वो सुपारी खाते हैं, ना ही सिगरेट, ना ही ड्रिंक करते हैं, कुछ भी नहीं। तो बस यही था, मैंने रात की जो बची हुई रोटियां थी ना उसे हाथों से ही चूर लिया है, तो इसका हम चूरमा बनाने वाले हैं। बहुत ही अच्छा यम्मी लगता है, हमारे बच्चों को मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है, तो मैं इसे वेस्ट नहीं जाने देती हूँ। तो मैंने चूरमे में ना हल्दी और नमक डाल लिया है, तो एक तरफ मैंने गैस पर कढ़ाई चढ़ा दी है और कढ़ाई में डाल दिया है मैंने ऑयल, और ऑयल ना अच्छे से गर्म होने देना है हमें बिकॉज़ इसमें डलेगा तड़का हमारा राई जीरे का। तो रात की जो बची हुई रोटियां होती है उसका नाश्ता अगर आप बनाएंगे ना फ्रेंड्स एक बार, तो आप पोहे खाना, कटलेट्स खाना और जो कुछ मतलब नूडल्स फूडल्स जो आप खाते होंगे ना वो सारा कुछ भूल जाएंगे। मेरे बच्चों को और मुझे तो बहुत ज़्यादा पसंद है, और स्पेशली राज के पापा को ज़्यादा पसंद है, बट आज उनका फास्ट है तो वो नहीं खाएंगे। तो ऑयल हमारे यहाँ पर गर्म हो चुका है और बहुत ही ज़्यादा मतलब इंस्टेंट बन जाता है, और कम इंग्रेडिएंट्स में इतना टेस्टी वाला नाश्ता जो है बन जाता है, और हमारा जो खाना होता है मतलब कि रोटियाँ होती है बची हुई वो भी वेस्ट नहीं जाती। तो बस यही है, मैं तो कभी भी मेरी जो बच जाती है रोटियाँ वो वेस्ट नहीं जाने देती हूँ फ्रेंड्स। तो मैं इसी काइंड ऑफ का कर लेती हूँ और
चाहे दो बोर रोटियां हो या तीन हो तो मैं यही कर लेती हूँ। तो हमारी रोटियां जो है उसे चूर लेना है हमें और उसमें तड़का लगा देना है। तो मैंने राई जो है तड़कने के लिए छोड़ दी है तेल में, और आप देख सकते हो कि बहुत ही ज़्यादा तड़कने की आवाज़ जो है आ रही थी। तो राई तड़कने के बाद मुझे डालना है जीरा, और ये देखिए ये मूंगफली, प्याज और हरा धनिया और करी लीव्स, बस इतने ही इंग्रेडिएंट्स हैं। तो मैंने डाल दिए हैं मूंगफली और करी लीव्स। तो इसे हमें अच्छे से फ्राई होने देना है। अच्छे से मतलब ये फ्राई हो जाएंगे ना तो एक क्रंची से लगते हैं हमारे, जब हम चबाते हैं खाते हैं तो एक क्रंचीपना आता है मूंगफली में। तो इसे हमें क्रंची ही करना है। तो आप देख सकते हो मैंने अच्छे से इन्हें भून लिया। फिर मैं डाल दूंगी इसमें प्याज, और प्याज को हमें कोई ज़्यादा चलाने की ज़रूरत नहीं है। प्याज तो कच्चा भी होता है ना, फिर भी उसका स्वाद बहुत ही अच्छा आता है। और मुझे ज़्यादातर प्याज जो है कच्चा ही अच्छा लगता है, मतलब कि उसे ज़्यादा गलाना मुझे पसंद नहीं है फ्रेंड्स। तो मैं प्याज को ना ज़्यादा चलाती नहीं हूँ, उसे ज़्यादा गलाती नहीं हूँ। तो इसके अंदर अगले जो मसाले डालेंगे वो है लहसुन की चटनी, मतलब कि लाल मिर्च पाउडर। मैं लहसुन की चटनी बना के लाल मिर्च पाउडर जो होता है उसमें लहसुन डाल के उसे ग्राइंड करके रख देती हूँ, ताकि रोज़ रोज़ मुझे ना सब्जियों में डालने के लिए टेंशन ना हो। और मैंने डाल दिया है थोड़ा सा धना पाउडर भी डाल दिया है, धनिया पाउडर। वैसे तो इसके अंदर धनिया आएगा बट धनिया पाउडर से ना थोड़ा सा फ्लेवर आ जाएगा। तो ये डाल दिया मैंने चूरमा इसके अंदर, तो आप देख सकते हो। तो इसे हमें अच्छे से चलाना है अभी, और बस फिर हो गया है, हो जाएगा रेडी खाने के लिए। तो इसे थोड़ा सा हमें चलाना है और फिर ढक देना है, बहुत ही अच्छा लगता है। तो ये शायद से 3 या 4 रोटियों का होगा चूरमा, तो बहुत अच्छा लगता है। मुझे तो पोहे से ज़्यादा ना ये वाला नाश्ता करना बहुत ज़्यादा पसंद है। अगर मेरे पास ना दो तीन चीज़ें रख दिया जाए और उसमें से चूज़ करना हो तो मैं यही चीज़ को चूज़ करूँगी, मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है। तो आप देख सकते हो कितना कलरफुल, कितना मस्त लग रहा है हमारा। तो ये देखिए यहाँ पर जो है मैंने थोड़ा सा पानी डाल के ढक दिया है, बिकॉज़ वो जो रोटियों की किनारी होती है वो अच्छे से मतलब सॉफ्ट हो जाए, इस वजह से थोड़ा ही डालना है। मतलब कि हमें, हम जब पानी पीते हैं तो उसका जो एक घुट होता है उसी काइंड ऑफ का, तो चम्मच से अगर लेंगे तो 2 चम्मच सिर्फ। और ये देखिए हरा धनिया डाल के आप देख सकते हो, ता यम्मी लग रहा है ना, मस्त, मुझे तो बहुत ज़्यादा पसंद है। मैं आपको प्लेटिंग करके दिखाती हूँ इसकी। तो ये देखिए, आइए आप लोग भी नाश्ता कर लीजिए। तो हम यहाँ पर हमारे जो किचन है वहीं पर नाश्ता करने बैठ गए थे, और आप लोगों को यहाँ पर थोड़ा मेसी लग रहा होगा, तो कोई बात नहीं। मैंने आज किचन किचन में जो फ्रिज वगैरह की क्लीनिंग निकाली है उस वजह से ना ये टेबल वगैरह, स्टूल वगैरह सारा कुछ यहाँ पर पड़ा हुआ है, बिखरा हुआ है सामान। और वो जो आप विमल की थैली देख रहे हो उसके ऊपर वो जो देख रहे हो ना, आज मुझे मतलब पीसना है आटा, तो मैंने वो सारा कुछ सामान निकाल के रखा है, छलनी वगैरह और टोकरी वगैरह। तो मुझे आज ना आटा पीसना है इस वजह से। और राज बहुत ही ज़्यादा शरारत कर रहा था, वो बोल रहा था मुझे बाहर जाना है, और मैं बोल रही थी नहीं आप बाहर बिल्कुल नहीं जाओगे, बिकॉज़ यहाँ पर ना हमारे यहाँ पर भी मतलब हमारे गांव की थोड़ी दूरी पर एक पेशेंट मिला है, तो बहुत ही ज़्यादा टेंशन हो रहा है। तो इस वजह से मैं उसे नहीं बोल रही थी, और मुझ पर वो गुस्सा कर रहा था कि मम्मा आप ना मुझे कहीं पर जाने नहीं देते हो और मुझे घर में ही बिठा के रखते हो, और मुझे ना घर में काम ज़्यादा लगाते हो। क्योंकि वो काम तो बिल्कुल भी नहीं करता है, बट ऐसे मुझे सुना रहा था। तो मैं उस पे चिल्ला रही थी, गुस्सा कर रही थी कि मैं आपके ही मतलब सेहत के लिए, आपके ही इसके लिए मतलब उसके भविष्य के लिए मैं उसे अंदर रहने के लिए बोलती हूँ ना फ्रेंड्स, उसे थोड़ी ना मैं काम लगाने के लिए अंदर रहना उसको बोलती हूँ कि नहीं आप घर में ही रहा करो। तो ऐसा है, बच्चे तो बिल्कुल नहीं सुनते हैं, क्या करें क्या ना करें। ये देखिए हमारे फ्रिज की क्लीनिंग हो चुकी है। तो मेरे फ्रिज में आजकल ना कुछ भी नहीं है ज़्यादा, यहाँ पर है बच्चों के लिए बिस्किट,
शॉप ही ओपन नहीं है तो फ्रूट्स तो बिल्कुल भी नहीं, कुछ भी नहीं। यहाँ पर दूध वगैरह और बची हुई सब्जियाँ, और ये देखिए यहाँ पर है हरी मिर्च नहीं सॉरी कोरिएंडर और अदरक, और यहाँ पर है हरी मिर्च और आम कच्चा। तो और यहाँ पर ये वाले रैग में ना थोड़ा पानी रख दिया है, और ये फिश फ्राई करते हैं ना वो वाला मसाला है, तो बस यही है। फ्रूट्स वगैरह तो अभी मतलब दिखने को भी तैयार नहीं है, बिकॉज़ यहाँ पर ना सारे शॉप वगैरह सारी सब्जी मंडी सब कुछ बंद है। तो मैं आपको आगे बताऊँगी कि क्या है, और मेरे टेंशन लेने का मेरा इतना मतलब मुझे डर क्यों लग रहा है वो मैं आपके साथ आगे शेयर करूँगी। तो यहाँ पर ना मैंने आटा वगैरह पीस लिया था, तो मैं उस आटे को छान रही थी फ्रेंड्स, और मैंने यहाँ पर ट्राइपॉड का यूज नहीं करा था। खुशी को ही बोल दिया था कि बेटा थोड़ी सी ना शूटिंग आप कर लो, तो उसने बहुत ही हिलाते हुए हाथ हिला हिला कर मतलब शूटिंग करा है। तो प्लीज़ आप स्किप कीजिएगा, इतना माइंड मत कीजिएगा। तो मैं यहाँ पर ना महीने डेढ़ महीने का मैं जो आटा है पीस लेती हूँ, और पीसने के बाद उसे छान के रख देती हूँ, ताकि मैं जब रोटियाँ बनाऊँ तो मुझे आटा जो है पूरा रेडी मिले। तो चलिए फिर मिलते हैं थोड़ी देर में, आपसे गपशप करेंगे। हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग। तो बिकॉज़ अभी बज रहे हैं शाम के 5:30, तो इसलिए गुड इवनिंग। और मैं ना आपसे बोलना चाहती थी कि मैं बहुत ही ज़्यादा मतलब मुझे डर लग रहा है, तो डर मुझे किस बात का लग रहा है वो भी आपके साथ शेयर करना चाहती थी। तो 50 या 40 किलोमीटर होगा शायद, तो इतनी दूरी पर ना एक कोरोना वायरस का जो पेशेंट है वो मिला है, तो मुझे बहुत ही ज़्यादा डर लग रही है। और मुझे टेंशन भी इस बात की हो रही है कि यार कब ख़त्म होगा ये लॉकडाउन, और लॉकडाउन है उसकी मुझे इतनी ज़्यादा टेंशन नहीं है, बट ये वायरस ऐसा है कि जो हम इतने मतलब ये करके भी इतने मतलब हम घर में रहकर इतने ये परेशानी उठाकर भी अगर ऐसा कुछ सुनने में आया कि यहाँ पेशेंट मिला वहाँ पेशेंट मिला, तो बहुत ज़्यादा मतलब टेंशन हो जाती है यार क्या होगा क्या नहीं। तो मुझे तो ना एक ऐसी मतलब घुटन सी होने लग गई है कि यार हम इतना मतलब ये कर रहे हैं घर में रहकर इतनी परेशानियों का सामना कर रहे हैं, तो क्या हमारी परेशानी का मतलब कुछ हल निकलेगा या सिर्फ यू ही। तो मुझे बहुत ही ज़्यादा टेंशन हो रही है। और मेरी मम्मा का गांव हमारे गांव से सिर्फ 40 किलोमीटर की दूरी पर ही है, तो मैं वहाँ भी नहीं जा सकती। और हम बाइक पर जाने वाले थे, बट हुआ ये कि मेरी मम्मा का जो गांव है वहाँ से थोड़ी ही दूरी पर जो है एक पेशेंट मिला, तो राज के पापा ने जो है तुरंत नहीं बोल दिया कि नहीं यार हम नहीं जाएंगे, बिकॉज ना मतलब गांव के लोग खड़े गांव के लोग ऐसे होते हैं कि वो एक दूसरे के टच में रहते ही रहते हैं। तो यहाँ पर जितना लॉकडाउन है उस हिसाब से उस एरिया में मतलब उतना लॉकडाउन नहीं है, तो मुझे ना बहुत ही ज़्यादा टेंशन हो रही है कि क्या होगा क्या नहीं। और मैं मेरे मामा जी का गांव है नंदुरबार, तो वहाँ पर भी एक पेशेंट मिला, एक मैं वहाँ पर भी मतलब दो तीन पेशेंट मिले, तो वहाँ भी मुझे जाना था छुट्टियों में। मेरे मामा जी जो है मुझे बोल के गए थे कि आप ना छुट्टियों में हमारे घर आइएगा, बिकॉज उनका ना छुट्टियों में वो भी छुट्टियां लेते हैं, वो पुलिस में है मतलब कि ट्रेन में जो RPF पुलिस होते हैं उसी बैच में है वो। तो उन्होंने हमें बोला था कि आप सब ना मतलब जो भांजियां है सारी की सारी, उनको सारी भांजियों को उन्होंने इनवाइट किया था, तो आप सारे के सारे मेरे घर पर आना ऐसा। तो हम बहुत ही मतलब हमने सोच के रखा था ये करेंगे वो करेंगे छुट्टियों में एंजॉय करेंगे, हमें तो पावागढ़ भी जाना था फ्रेंड्स, हमने बहुत सारा मतलब बहुत कुछ डिसाइड भी करके रखा था, बट ये ऐसा हो गया। और मैंने हेयर वॉश करे हैं फ्रेंड्स, संडे के दिन करे थे और आज है ट्यूसडे, तो मैंने ऑयल भी नहीं करा है अभी तक, मुझे ऑयल लगाना है। बट मैं सोच रही थी कि मेरे मम्मा के घर चली जाऊँ, अभी क्या होगा क्या नहीं पता नहीं, तो देखेंगे क्या होता है क्या नहीं।
जो कुछ होगा वो देखा जाएगा, बट ना मुझे बहुत टेंशन आ जाती है। मुझे लगता है यार, मुझे खुद की नहीं टेंशन होती है, मुझे बच्चों की होती है। बिकॉज बच्चे ना घर में बैठते नहीं, हम बड़े तो सुन लेंगे घर में बैठेंगे, बट बच्चे तो यहाँ वहाँ इधर उधर, मतलब छोटे बच्चे जो होते हैं एक दूसरे के संपर्क में तो आते ही आते हैं, खेलते हैं, तो इस वजह से ना थोड़ा टेंशन हो जाता है। तो पता नहीं ये टेंशन कब तक चलेगी। तो बस यही था, और मेरा ना शाम का क्लीनिंग वगैरह जो है सारा कुछ फिनिश हो चुका है। सिर्फ अभी मुझे वो जो मैंने आटा आज आटा मैंने पीसा था चक्की में, तो वो चक्की का ना मुझे साफ सफाई जो आती है क्लीनिंग वो करना है, तो उसे साफ करके ही रखना पड़ता है, नहीं तो फिर वो ना उसमें आटा जो होता है चिपक जाता है चक्की के अंदर। तो सिर्फ यही करना है। और आज राज के पापा का फास्ट था, तो मैंने खाने में आज मूंग की दाल बनाई थी, तो मूंग की दाल रोटियाँ और हरी मिर्च का ठेचा बोलते हैं हम, तो वो हरी मिर्च की चटनी और केरी की सब्जी मेरी बची हुई थी तो हमने वही खा ली थी। और अभी मैंने थोड़ी देर पहले ना स्नैक्स में बच्चों को पॉपकॉर्न बनाए थे, बट मैंने शूट नहीं किया बिकॉज वीडियो जो है बहुत लंबा हो जाता है। तो चलिए फिर मैं मेरा ब्लॉग की जो मेरे ब्लॉग है यहीं पर ख़त्म कर लेती हूँ। ब्लॉग की एंडिंग जो है यही ख़त्म कर देती हूँ, यही एंडिंग कर देती हूँ। तो पता नहीं क्या होगा क्या नहीं, बट भगवान जी जो होगा वो अच्छा ही करेंगे। तो चलिए फिर मिलते हैं मेरे नेक्स्ट ब्लॉग में। और आप लोगों को अगर मेरा वीडियो पसंद आता है फ्रेंड्स, तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिएगा न्यू हो तो। और जो मेरे फ्रेंड्स हैं, मेरे सब्सक्राइबर्स हैं, उनको तो कोई ज़रूरत ही नहीं है बोलने की, वो तो मुझे लाइक कर देते हैं, और लाइक करके वो मुझे मतलब बता देते हैं, प्रूफ कर देते हैं कि वो मुझे कितना प्यार करते हैं, और वो मुझे कमेंट्स भी ज़रूर करते हैं। तो चलिए फिर मिलते हैं मेरे नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय। घर में रहिए, खुश रहिए, अपना और अपने परिवार का ध्यान रखिए। बाय बाय।